जो इन्वेस्टमेंट वाली गेम होती है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। एक पर्सन आपके बिजनेस पे पैसा क्यों लगाएगा, आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट में वो बिलीव करता हो, आप पे बिलीव करता है, लेकिन जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हो तो वो आपके पास पैसा क्यों लगाएगा। मोस्टली इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है आपकी, वो उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है, जो आपका बिजनेस है वो उनका प्रोडक्ट है। उनका एक ही मोटिव है कि जो पैसा वो आपके बिजनेस पे लगा रहे हैं, मतलब वो अपने प्रोडक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसको कई गुना ला सकते। और यही एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट का फंडा होता है। इसीलिए वैल्यूएशन गेम घुमाई जाती है। वैल्यूएशन गेम इसलिए नहीं घुमाई जाती क्योंकि वो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं या कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं, वो अपने पैसे को बड़ा बनाना चाहते हैं। यहाँ पे इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी बंदे इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो उनका कंसंट्रेशन कभी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से पैसा कमाना नहीं होता, वो अपना टर्नओवर बढ़ाने में कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे ही टर्नओवर बढ़ेगा, चाहे कंपनी नुकसान में हो, आपने देखा होगा कि कोई कंपनी 200 करोड़ रुपए के नुकसान में है, कोई 150 करोड़ के नुकसान में है, कोई 100 करोड़ के नुकसान में है, कोई 2000 करोड़ के नुकसान में, और फिर भी उनको बाहर से इन्वेस्टमेंट मिल रही है, फिर भी बड़े दूसरे इन्वेस्टर्स उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो अगले साल फिर वो 100 करोड़ रुपए वो खर्चा कर रहे हैं, 50 करोड़ का उनका टर्नओवर आ रहा है। तो ये सारी गेम वैल्यूएशन की यहाँ पे घुमाई जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो केवल इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका बिजनेस है, उसकी वैल्यू बढ़े। आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विसेज की वैल्यू से उनको कोई मतलब नहीं है, केवल उसको आपके बिजनेस की वैल्यू से मतलब है। क्योंकि जब आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी तभी उनके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। और उनके पैसे कमाने का सिंपल सा तरीका है, या तो आपके बिजनेस को कोई और बिजनेस खरीद ले, तो जो अगर उन्होंने 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया लगाया है, वो 1000 करोड़ या 2000 करोड़, वो 100 करोड़ 20 करोड़ रुपया उनको कमा के दे। वहां पे कोई बड़ा बिजनेस को इंटरेस्ट हुआ, वो आपके बिजनेस को एक अच्छी खासी अमाउंट में खरीद लेता है, तो एक इन्वेस्टर वहां पे कमा सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब बिजनेस एक लंबा चल जाता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़ी कंपनी नहीं मिलती जो इस बिजनेस को खरीद के अपने लिए यूज कर सके, तो वो क्या करते हैं, फिर वो वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, गेम में जाते हैं और नुकसान खा के और टर्नओवर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पीआर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फिर वो पब्लिक को बेचना चाहते हैं, फिर वो आईपीओ के बारे में विचार करते हैं, फिर वो सीएफओ रखते हैं, वो बड़े बड़े स्टाफ को हायर करते हैं। वो एक्चुअली किसी बड़े बिजनेस ने नहीं खरीदा किसी बिजनेस को, तो वो पब्लिक को बेचने की कोशिश करते हैं। वो अपना जो उन्होंने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वो 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से वो पब्लिक को फिर बेचने की कोशिश करते हैं, और पब्लिक भी उसको खरीद लेती है। जबकि पब्लिक को ये देखना चाहिए कि वो जो बिजनेस है वो एक्चुअली में प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये सारा वैल्यूएशन गेम है भाई। 10,000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी किसने बनाई है? उन्होंने खुद कागजों में उसको बनाया। कोई कह रहा मैं D2C ब्रांड हूँ, कोई कह रहा मेरे तो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा हूँ, मेरा टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ का था, अब मैंने 150 करोड़ का कर दिया है। जब आप उस 150 करोड़ के टर्नओवर के लिए 500 करोड़ 1000 करोड़ खर्च कर रहे हो, तो वो 150 करोड़ तो जब आप किसी को मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और नुकसान उठा के उसको 20 रुपए में बेच रहे हो, तो टर्नओवर बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि और आप मार्केटिंग इतनी हाई लेवल पे कर रहे हो, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बिक ही जाता है और आपका टर्नओवर भी बढ़ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि फिर वो पब्लिक को बेचने की कोशिश करते हैं, आईपीओ लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है आईपीओ लाने की और वैल्यूएशन गेम में अपने शेयर बेचने की। नहीं तो जो बिजनेस एक्सपोज करो, मेरे पास बिजनेस एक प्लॉट की तरह, अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, मेरे पास एक प्लॉट है, उस पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो मैं क्यों बेचना चाहूंगा उसका 10% हिस्सा किसी और पर्सन को या पब्लिक को, अगर वो मेरे लिए, मैंने इतनी मेहनत से उसको तैयार किया है, मैंने इतना पैसा लगाया है उस पर, इतना टाइम लगाया है, तो मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं कि मैं लोगों को कहूंगा कि यार तुम इसमें से 10% हिस्सा मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं, मैं आईपीओ ला रहा हूं, मैं उसके द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारा 10% हिस्सा आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा पब्लिक को फायदा करूं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। बात यह होती है कि किसी बड़े बिजनेस ने नहीं खरीदा तो अब वो पब्लिक में डंप करना चाहते हैं अपने उस बिजनेस के शेयर को। जो इन्वेस्टर्स है, जो उन्होंने अपना पैसा लगाया है, अब उसको वो कई गुना कमाने के
पब्लिक को बेच के कई गुना कमा के वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब इससे ज्यादा इस बिजनेस की वैल्यूएशन नहीं हो सकती। जो आपने एक रुपया लगाया था अब वो 10 रुपया की वैल्यूएशन हो चुकी है, 20 रुपए की वैल्यूएशन हो चुकी है, अब इससे ज्यादा आपके इस पैसे की वैल्यूएशन नहीं हो सकती। वो भी होएगी भी तो वो आराम आराम से होगी, अब 20 का 21 होएगा, 21.5 होएगा, 22 होएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होएगा अभी। तो वो क्या करेंगे कि उस बिजनेस से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे और वो लोगों पे डंप करने की, लोगों को बेचने की कोशिश करेंगे अपना जो वो शेयर है, और वहां से निकल के वो फिर किसी और बिजनेस को वहां पे ढूंढेंगे। लेकिन ये एक ट्रिकी गेम लगता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो केवल अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस कामयाब होता है। वो अगर 20 बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो 2 या 3 बिजनेस ही उनको कमा के देते हैं, लेकिन फिर भी वो तभी पैसा कमा सकते हैं या उसको कोई बड़ी कंपनी खरीदे, या फिर वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आए, पब्लिक को अपना शेयर बेचे, फिर आराम आराम से वो उसके बाद पहले आईपीओ लाते हैं, फिर दूसरी तरह से अलग अलग तरीके से वो शेयर बेच के अपना पैसा निकालना वहां से शुरू हो जाता है। तभी आपने देखा होगा, बहुत बार आपने ये नोट किया है कि कोई बड़ी कंपनी का यूनिकॉर्न का शेयर आता है, वो पहले दिन तो काफी हाई पे बिकता है लेकिन उसके बाद एकदम से धड़ाम गिरता है। वो इसी वजह से गिरता है क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां से निकाल के जा चुके, अब तो पब्लिक से उन्होंने पैसा ले लिया है, अब उनको कोई मतलब नहीं है, उनके पास पैसा आ चुका है, अब आपके शेयर का रेट बढ़े या नहीं हो। इसी वजह से मोस्टली जो आईपीओ आते हैं, अभी आएंगे भी जो आगे भी आईपीओ आएंगे, उनके भी शेयर पहले दिन ही बढ़ेंगे केवल, उसके बाद वो गिर जाएंगे। फिर फाउंडर्स को महसूस होगा यार इन्वेस्टर्स तो सारा पैसा निकाल चुके हैं, अब फिर मैं प्रॉफिट पे ध्यान देता हूं। अभी आपने बहुत एक फूड चेन लगा लो आप, या पेमेंट का एक ऐप लगा लो, तो अब वो पैसे का प्रॉफिट, अब वो प्रॉफिट कमाने पे जोर दे रहे हैं कि मेरी कंपनी 10% 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, अब इतने प्रॉफिट में अब वो चार्जेस लेना शुरू कर गए हैं। फूड चेन को भी बड़ी जल्दी हो रही है प्रॉफिट कमाने की, क्योंकि अब उनमें फाउंडर्स का पैसा रह चुका है या उनका लोन रह चुका है, अब उनकी मजबूरी है वहां पे प्रॉफिट कमाना, तब तक जब तक वैल्यूएशन घुमानी थी उन्होंने घुमा ली, अब वो प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। इसी वजह से आपको मेरे हिसाब से तो किसी भी कंपनी में जब तक वो प्रॉफिट में नहीं हो तो आपको आईपीओ उसका बहुत महंगे दामों पे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो उनका ही तैयार किया होता है, उन्होंने बड़े महंगे महंगे सीएफओ रखे होते हैं, मार्केटिंग टीम्स रखी होती है, पीआर टीम्स रखी होती है, केवल इस वजह से ही, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस ही आपको नहीं बेचना चाहते, वो अपना शेयर आपको बेचना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ तो आपको बेचना ही चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस में जब तक आप कुछ ना कुछ नहीं बेचोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं आपको, इसीलिए वो वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, और इसी वजह से वैल्यूएशन काम करती है, इसी वजह से कंपनियां नुकसान में काम करती है। नुकसान में काम कंपनियां केवल 2 वजह से करती है, या तो वो अपने कंपटीटर को मार्केट से हटाना चाहती है, या वो वीक वैल्यूएशन गेम में आ जाती है, वो अपना प्रोडक्ट नुकसान में बेच के अपने आप को, अपना शेयर आपको मार्केट से कई गुना महंगा बेचना चाहती है।